हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज. माय नेम इज़ अमित एंड आई हैव डन माय पीजी इन लॉ एंड सोशियोलॉजी. टुडे विल बी टेकिंग अप योर इंडियन पॉलिटी क्लास. और इंडियन पॉलिटी में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में. और जहाँ पे हम बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 तक. लेकिन हम आज की क्लास में सिर्फ मेजर जो हमारे इवेंट्स रहे हैं द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे. और आपकी रेफरेंस के लिए ये बता दूँ कि जो एक्ट ऑफ 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट वही है जहाँ से मेजॉरिटी जो फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो ड्रॉ किए गए थे. तो हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आइडिया था कन्वीनिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पहला आइडिया दिया गया था एम एन रॉय की तरफ से. एम एन रॉय कौन थे? एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े पॉइनियर थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले एक बहुत बड़े व्यक्ति थे. और साथ में रेडिकल डेमोक्रेटिज्म को वो प्रोपोगेट करते थे, को वो प्रमोट करते थे. तो जो पहली डिमांड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो आई 1935 में. 1935 और जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्री इंडिया का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहेगा, ब्लूप्रिंट रहेगा, और उसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. आउटसाइड इंटरफेरेंस मतलब ब्रिटिशर्स की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सिर्फ इंडिया के लोग ही इसको बनाएंगे और वही इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे. तो अब फाइनली जो डिमांड थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये 1940 में बेसिकली इनकी एक्सेप्ट हुई. तो डिमांड जो थी इनकी, डिमांड फॉर हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड इन अगस्त ऑफ, और ये कब हुआ? 1940 में. आगे बात करते हैं. और इन्होंने इसमें ये भी डिक्लेयर किया था, ये भी इन्होंने एक्सक्लेम किया था कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हम जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. मतलब जो कि वो वहाँ के जो मेंबर्स होंगे वो सभी को इक्वल राइट होगा इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में आने का और अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का. तो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई नवंबर 1946 में. जो प्रोसेस था नवंबर 1946 से शुरू हुआ, जबकि एक फॉर्मल बॉडी ऑफ दिस फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. और इसमें जो थी बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर द स्कीम विच वाज फॉर्मुलेटेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान. तो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए. अब जो इसकी मेम्बरशिप थी, इसमें टोटल मेम्बर्स होने थे 389 मेंबर्स की ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी थी, जिसमें 296 मेंबर्स जो थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के थे.
और बाकी के जो 93 मेंबर्स थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट्स। अब जो ये 296 मेंबर्स है इसमें भी दो तरह की डिविजन्स थी। 292 मेंबर्स जो थे वो गवर्नर के प्रोविंसेस में से आने थे, और बाकी के जो 4 मेंबर थे वो 4 चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से आने थे। तो ये डिवीज़न थी। अब हुआ क्या कि जो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन था, अब जो ये मेंबर्स की अपॉइंटमेंट थी, अब इसमें इन्होंने क्या रखा था कि 1 मिलियन लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको हम मेंबर भी बोलेंगे। तो 1 मिलियन पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव। तो 296 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुई, इलेक्शंस होती हैं हमारी, और ये इलेक्शंस होती हैं जुलाई टू अगस्त के बीच में, और 1946 इसके बीच में इलेक्शंस होती हैं। और इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको टोटल सीट्स मिलती हैं 208, और जो मुस्लिम लीग है उसको टोटल सीट्स मिलती हैं 73, और बाकी के जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, स्मॉल ग्रुपिंग्स या इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी संख्या थी 15। आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों की बाकी के नंबर्स कहाँ गए, तो मैं आपको बता दूं कि जो 93 रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, ये बेसिकली वोटिंग में आए ही नहीं। इन्होंने बेसिकली बायकॉट किया या एब्स्टेन, एब्स्टिनेंस फ्रॉम वोटिंग, इन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद जो मेंबर्स अपॉइंट हुए जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हो चुके थे, ठीक है, उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज प्रेजेंट थी एक्सेप्ट टू। वो दो पर्सनैलिटीज कौन सी थी? एक थे महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिना। ये दो पर्सनैलिटीज इस प्रोसेस में प्रेजेंट नहीं थे, सो दे वर एब्सेंट। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कौन से दो पर्सनैलिटीज थी, या ग्रुपिंग में दे सकते हैं, बताइए इनमें से कौन से लोग थे, कौन सी पर्सनैलिटीज जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया जिन्होंने। और ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद मीटिंग होती है, मीटिंग जो होती है वो अटेंड करते हैं टोटल 211 मेंबर्स। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अटेंडेड बाई 211 मेंबर्स, और इसमें प्रेजिडेंट हमारे रहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसके बाद क्या होता है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेवलपमेंट है इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होती है वो होती है हमारी दिसंबर 11, 1946, मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, और HC मुखर्जी को बना दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक और एडवाइजरी, एडवाइजरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, BN राव, BN राव जी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में। जो आप आर्टिकल 21 पढ़ते हो, आर्टिकल 21 में जो हमारा एक लाइन है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ,
नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो टर्म है बेसिकली कॉइन की थी बी एन राव ने, और इसकी इन्फ्लुएंस उन्होंने ड्रॉ की थी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये ऐसे ही आपको मैं साथ में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मीटिंग जो, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग तो हो चुकी है, ये जो सेकंड नेक्स्ट मीटिंग हुई है इसमें इन्होंने अपॉइंट किया अपने मेंबर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और एक एडवाइजरी। सेकंड, अब हम इसके बाद अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली प्रपाउंड किया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कॉन्सेप्ट प्रपाउंड किया था, और इसके तहत उनके कुछ प्रीरिक्विजिट्स थे कि अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, वो फीचर्स क्या होंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये दिसंबर 13th of 1946 में आया। ठीक है, अब कुछ इसके प्रीरिक्विजिट्स थे कि किस तरह की पॉलिटी हम चाहते हैं, किस तरह की हम गवर्नेंस, किस तरह का हम पॉलिटिकल सेटअप चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो होगा एक सॉवरन स्टेट होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट मतलब सेल्फ सफिशिएंट, खुद चलने वाला। सॉवरन का मतलब हैविंग सुप्रीम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रूल ए पर्टिकुलर एरिया। रिपब्लिक का मतलब है कि जो गवर्नमेंट होगी वो अपॉइंटेड होगी, हेरिडिटरी नहीं होगी, मोनार्की नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जो पार्ज हैं, ऑल पार्ज एंड अथॉरिटी, अथॉरिटीज है वो फ्लो करेंगी बेसिकली पीपल से, लोगों से। ठीक है, और कुछ राइट्स के बारे में बात किया, जैसे फंडामेंटल फ्रीडम्स, राइट्स, जिसमें आपका इक्वालिटी आ गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस भी उन्होंने तीन तरह का कहा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तीन जस्टिस के बारे में बात किया, और भी काफ़ी पॉइंट्स थे तो जिनके बारे में आप ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा बुक से। और इन्होंने एडिक्वेट सेफ गार्ड्स, फॉर एक तो माइनॉरिटी लोगों के लिए, जो लोग डिप्रेस थे, जिनकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं थी, माइनॉरिटी डिप्रेस्ड क्लासेस, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स तो चलो कॉन्सेप्ट बाद में आया, बट हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन की, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो भी बाकी की बैकवर्ड क्लासेस थी। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इन्होंने बात की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरन राइट्स ओवर लैंड, एयर एंड सी। लैंड, एयर एंड सी पे सॉवरन राइट्स। अब इसका मतलब यह है कि जो जितना भी हमारे पास जमीन होगा, उस जमीन को गवर्न करने के लिए प्रॉपर हमारे पास सॉवरेनिटी रहेगी। वी विल हैव सॉवरेन अथॉरिटी टू रूल आर टेरिटोरियल लैंड। ठीक है, सेकंड एयर स्पेस। अब एयर स्पेस में क्या होता है, अब जो हमारी टेरिटरी है उसके ऊपर जो एयर स्पेस है उसमें भी हमारी जो होगी एब्सोल्यूट
डिस्क्रीशन एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी कि हमारी परमिशन के बिना कोई भी उस स्पेस में नहीं आ सकता, और एक सी सॉवरेनिटी ओवर सी। सी का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं तो अब आज के टाइम पे हमारे पास एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, ठीक है, जो कि 1982 में एनेक्ट की गई थी। अब इसके तहत कुछ जोन्स होते हैं आपके टेरिटोरियल वाटर्स में, जैसे टेरिटोरियल वाटर्स हैं तो उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स रहते हैं। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसमें जो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, और उसके उसमें भी आपके पास कुछ राइट्स रहते हैं इकोनॉमिकल नेचर के। तो उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को कंसिडर करते हुए तीन तरह की जो टेरिटरीज थी उस पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम की। लैंड की तो आपको समझ आ गई, एयर स्पेस होगी जो आपकी ज़मीन के ऊपर वाली स्पेस है, और सी की आ गई ये वाली स्पेस। जो डिफरेंट जोन्स में आज हम बात करते हैं, तो जो हमारे पास जो हमारी सॉवरेनिटी है वो ज़मीन और हवा तक ही लिमिटेड नहीं है, वो समुंदर तक भी जाती है। तो और जो ये जो टेरिटोरियल वाटर्स है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल लाइन, इसके ऊपर की जो एयर स्पेस है उस पर भी हमारा सॉवरेन राइट है। तो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब बात करते हैं कमिटीज़ की। कमिटीज़ जो फ्रेम हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के तहत, कुछ कमिटीज़ बनाई गई और उनको कुछ पास डिवाइड की गई कि उनको स्पेसिफाइड फंक्शन बताए गए कि आप ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये स्पेसिफाइड फंक्शन उनको दिए गए। तो कमेटी की बात करें तो बहुत कमेटीज़ हुई, 8 जो थी हमारे पास मेजर कमिटीज़ थी और बाकी माइनर, कुछ माइनर कमिटीज़ थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 जो कमिटीज़ हैं उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर्स कमेटी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। फिर सेकंड हमारी कमेटी आ जाती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसके भी चेयरमैन जो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर एक आती है हमारे पास यूनियन सॉरी इसके बाद ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन रहते हैं हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन कमेटीज़ के अलावा तो कुछ मैंने आपको कमेटीज एग्जांपल बताई हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो आप सबको पता ही होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये जो थी मेजर जो हमारी कमेटीज़ हैं, और हम पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो ये सेटअप होती है 29th of August 1947। ये कमेटी इस डेट को एस्टैब्लिश होती है, कुछ मेंबर्स होते हैं जिसमें चेयरमैन तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, बाकी के मेंबर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और कुछ और मेंबर्स जो आप बुक में देख लीजिएगा। तो अब फ्रेमिंग के लिए टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ, टोटल टाइम था 2 years 11 months and 17 days। 2 years 11 months and 17 days कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगे, पर्टिकुलरली ड्राफ्टिंग कमेटी को लगे, टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू कम अप विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और
जो फाइनल हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी हुआ वो रेडी हुआ हमारा 26 नवंबर 1949। और इसके सिग्नेचर्स जो हमारे पास मेंबर्स थे, ये 284 सिग्नेचर्स इसने रिसीव किए ऑन 24 जनवरी 1950। और जो डेट रखी गई थी इसको इम्प्लीमेंट करने की, वो थी हमारी 26 जनवरी 1950। अब ये डेट क्यों रखी गई थी, आपने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन डेफिनेटली पढ़ा होगा। 1930 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो 26 जनवरी होगी हम इसको हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका था 26 नवंबर को, तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको अभी लागू नहीं करेंगे। कुछ प्रोविजन ऑल दो लागू हो चुके थे, बट उन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होगा वो लागू होगा 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इसमें, अगर हम जो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, तो वो हमारा रहा 6.4 करोड़ रुपीस। ये था टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आया इस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को फ्रेम करने में। और जब फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे पास आया तो उसमें 24 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। ये जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 24 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। तो अब हम अगर बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ कहाँ से इसके प्रोविजंस उठाए गए, कहाँ कहाँ से प्रोविजंस के लिए गए, तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कंट्रीज़ हैं और काफ़ी इनैक्टमेंट्स हैं जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिए गए थे, तो हम अभी उनके बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सोर्स रहता है, अभी हम सोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा स्ट्रक्चरल बॉडी था, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बोल सकते हो, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, वो बेसिकली हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। अब बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, फेडरल स्टेट, फेडरल हमारा एक पॉलिटी होगी, वो कॉन्सेप्ट इसमें आया। और भी कई कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस पर्टिकुलर एक्ट से ड्रॉ किए। अब बात करते हैं कंट्रीज़ के बारे में जहाँ से हमारे मेजर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया, जहाँ से इंस्पिरेशन मिली। तो जैसे ब्रिटेन से बात करें, अगर ब्रिटेन से कुछ फीचर्स लिए गए, जैसे रूल ऑफ लॉ बेसिकली एवी डाइसी एक ऑथर रहे हैं वहाँ के, उनका एक कॉन्सेप्ट रहा है रूल ऑफ लॉ, जिसमें रूल ऑफ लॉ का मतलब बेसिकली है इक्वालिटी। जो हमारा प्रोविजन है इक्वालिटी का आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रूल ऑफ लॉ से आया है। और इसमें हम इगैलिटेरियनिज्म की भी बात करते हैं, इगैलिटेरियनिज्म का मतलब बेसिकली होता है कि सोशलिस्ट स्टेट, जहाँ पे सभी के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो रूल ऑफ लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ से ब्रिटेन से लिया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कि हमारे पास एक पार्लियामेंट हो, ये कॉन्सेप्ट हमारा आया ब्रिटेन से, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फिर सिंगल सिटीजनशिप, हमारे इंडिया में हमें सिंगल सिटीजन मिलती है, हमें
ड्यूल सिटीजनशिप अनलाइक अमेरिका नहीं मिलती। जैसे अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, आप स्टेट के भी सिटीजन हो और आप यूएसए के भी एज ए होल सिटीजन हो, बट हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फिर प्रेरोगेटिव राइट्स, हम जो बात करते हैं आर्टिकल 32 में, 226 में, जो हमारे पास रिट्स के कॉन्सेप्ट है, पांच तरह की जो रिट्स हैं जिनके बारे में हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने हमारा ब्रिटेन से आया। फिर बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बाय कैमरलिज्म हमारा ब्रिटेन से आया। जैसे हमारे पास राज्यसभा एंड लोकसभा है, तो उसको हम बाय कैमरलिज्म बोलते हैं कि दो हाउसेज होते हैं जिसमें, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट भी हमारा ब्रिटेन से आया। नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो हमने इंस्पिरेशन ली है वो ली है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ऑल्दो आर्टिकल 37 बोलता है कि ये एनफोर्सिएबल नहीं है, बट नेवरदलेस जब भी स्टेट लॉ बनाती है तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंसिडर करना पड़ता है, उस पर कई जजमेंट्स भी हैं हमारी। और मोड ऑफ प्रेजिडेंट्स इलेक्शन, प्रेजिडेंट की इलेक्शन के लिए जो मोड है हमारा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो मोड हमारा आयरलैंड से आया हुआ है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, तो ये जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट जहाँ पे नॉमिनेट करता है राज्यसभा मेंबर्स, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट अगर कंट्री की बात करते हैं तो यूएस से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने यूएस से लिए हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है, और रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसके प्रोविजन भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड फाइनली प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंट्री रहेगी कनाडा। कनाडा से हमने सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म लिया है। सेंट्रीफ्यूगल एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हम इसका मतलब कुछ और है। सेंट्रिफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, इसका मतलब ये है कि जो फेडरलिज्म एज ए पॉलिटी तो हमारी है ही है, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेंटर जो है वो ज़्यादा एम्पावर्ड है, ठीक है। आप एमरजेंसी प्रोविजंस देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्मली बात करें तो ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स इंडियन पॉलिटी इज़ फेडरल, बट वेन इट कम्स टू एमरजेंसी इंडियन पॉलिटी टर्न्स इन टू ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंटर को जो है ओवर राइडिंग पास दी गई है। रेजिडरी पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, रेजिडरी पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन जो है ये भी सेंटर के पास है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। रेजिडरी पावर्स वो पावर्स होती हैं जब स्टेट्स
को अपनी, जैसे तीन लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेवन शेड्यूल में, तो स्टेट अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती हैं, सेंटर अपने सब्जेक्ट्स पे, और जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो लॉ बनाने की पावर दी गई है वो सेंटर को दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट बाय सेंटर, वो भी कनाडा से ली गई है। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से लिया है प्रोविजन। अब नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने ली है वो है द प्रोविजन ऑफ कंकरेंट लिस्ट। जो अब लिस्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे थे सेवन शेड्यूल में, जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और जिसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, और कंकरेंट लिस्ट, इस पर दोनों एम्पावर्ड होते हैं, स्टेट्स भी और यूनियन भी, दोनों लॉज बना सकते हैं। बट उसमें भी जो है सुपर राइडिंग पावर्स, और जिसको हम बोलते हैं कि सुपर सीडिंग की पावर्स या ओवर राइडिंग पावर्स जो है नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट एक इज वन ऑफ द थ्री लिस्ट दैट वी हैव इन द सेवन शेड्यूल। एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है जिसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे बोथ स्टेट्स एंड सेंटर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज। लेकिन अगर उसमें कोई स्टेट और सेंटर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ बनाता है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सेंट्रल लॉ को, जो सेंटर बनाएगा। ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 107, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी इट्स 108 के तहत जो जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो, ऑल राइट इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 में इसका प्रोविजन है। इसमें क्या है कि कल को अगर कोई भी डेडलॉक होता है बिटवीन द टू हाउसेस, तो प्रोविजन रहता है कि आप जॉइंट सिटिंग कर सकते हो किसी पर्टिकुलर लॉ को पास करने के लिए, कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए कि वो लॉ पास हो जाए। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये कॉन्सेप्ट हमारा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट कंट्री हमारी रशिया है। रशिया से हमने जो फीचर लिए वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A में आपको मिलती हैं। तो इसका जो इंस्पिरेशन था वो रशिया से लिया गया था। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो आपको प्रीएम्बल में मिलेगा, ये हमें रशिया से मिला था। जस्टिस भी तीन तरह का था, हमने बात की सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी कंट्री है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के काफ़ी प्रोविजन्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
352 नेशनल इमरजेंसी, 356, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और 356 जो है हमारी स्टेट इमरजेंसी है। तो इन इमरजेंसीज़ में जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, दैट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। आपको इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी आपने प्रीएम्बल में मिलेगा, जिसमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ की बात की है, और फ्रेटर्निटी आपसी भाईचारा को प्रमोट करने की बात की है। तो ये हमारा फ्रांस है हुआ है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो हमारी अमेंडमेंट है 368 आर्टिकल में, वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, इलेक्शन टू राज्यसभा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और लास्ट में आता है हमारे पास जापान। जापान से हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ वैसे हमने ड्रॉ की हुई है, वो है हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आपका आर्टिकल 21 में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। बट करंट प्रैक्टिस जो है, अब ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है, इट इज़ नो लॉन्गर बींग फॉलोड बाय द कोर्ट्स। जो प्रेजेंट ट्रेंड है हमारा, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये चेंज बेसिकली आई थी मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो होता था, लेकिन उस केस के बाद कोर्ट ने कहा कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन इथॉस फॉलो होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम प्रेजेंटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। तो ऑल दो स्टैट्यूट में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी स्टैट्यूट बुक पकड़ लो आप, उसमें आपको आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दिखा है, लेकिन व्हेन वी रीड दिस आर्टिकल इन द लाइट ऑफ द जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें वो बोलता है कि यू कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी ओनली बाय अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ विच इज नॉट आर्बिट्ररी, विच इज नॉट आर्बिट्ररी और अनजस्ट और अनफेयर। तो इसका जो होल मतलब है वो बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकल प्रोसीजर में वी टॉक अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वी डू नॉट टॉक अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। तो आई जस्ट होप आपको कुछ प्रोडक्टिव लगा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे प्रीएम्बल है, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, उसके मेजर फीचर्स,